भी हम लोग मुंबई से आए, पूरा थक के आए और एक गांव में आए भाई। इतनी जोर से भूख लगी आपने को, बहुत जगह ढूंढा आपने को, देसी मुर्गी नहीं मिली, ब्रॉयलर मिले थे, हम लोगों ने खाया नहीं। अभी बज गए भाई 6:30 बज गए। गणेश क्या लगता है आपने को मिल जाएगा? मुर्गा मिला, इन्होंने बोला यहाँ पे अपने पास 2 मुर्गे हैं तो अपन जाके मुर्गे लेते। और भाई अभी अंधेरा हो जाएगा, कहीं पे भी बना के खाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जोर से भूख लगी है भाई। आ जाइए फटाफट, वो भाई आगे गए हैं, देखिए जो राइट साइड के है ना उनके पास 2 मुर्गे हैं, वहां पे इन्होंने रखे हैं। भैया तो पूरा अंधेरा है, गणेश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए गणेश, गणेश इधर दिखा, इधर मिल गए। हाँ भाई यहाँ पे एक है, देखिए ये यहाँ पे 2-4 है लेकिन एक है, कम सभी पकड़ लो है। पकड़ लिया भाई ने, पकड़ लिया, चलो आ जाओ, पकड़ के लाया। तो देखिए भाई ये आ गए 2 मुर्गे भाई, कम से कम 2-2 केजी के हैं। और भाई आप आ जाइए इधर, आपका नाम तो बताइए, आपका नाम? सुनील बांबले। देखिए सुनील बांबले जी से मैंने ले लिए ये 2-2 मुर्गे, और भाई ने 850 रुपए का एक मुर्गा, बराबर ना, हाथ में पकड़ लो, मैं आपको पैसा दे देता हूँ भाई। 850 मतलब 1700 रुपए आपको देना है ना गणेश, वो ये दे दे, बैग दे दे जाना भाई। अच्छा मेरे बैग में पैसे, तुम्हारे बैग में पैसे, तू क्या कर रही है? ये लो भाई ये 1500 और ये 1700, ओके बांबले जी ये पैसे आपके और ये मुर्गे हमारे हो गए। देखिए भाई प्योर देसी मुर्गे। फैन हमारे साथ आया स्पेशली पुणे से घूमने के लिए, और सुबह से इसको भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला, भूख लगा है ना भाई, चल फटाफट चल। यहाँ पे देखिए सब कुछ सामान गाड़ी में रहता है। यहाँ पे अपना इंद्रायणी राइस है, मसाले किधर है गणेश? देखिए भाई ये है मसाले, बर्तन भी आ गए पूरे। चलिए भाई और 2 मेंबर अपने साथ जुड़ गए भाई, देखिए यहाँ पे संतोष जुड़ गए। और ये अरे कांतराम आजा, कांतराम आजा, कांतराम लकड़ा लेके आ रहा है भाई, देखिए जानते हो इसको, धनगर, धनगर कांतराम वापस मिल गया। आजा भाई आज खाएंगे भाई देसी मुर्गे, देसी मुर्गा खिलाऊंगा आज तुमको। चलो बने रहना वीडियो में भाई, देखिए इतना जबरदस्त लोकेशन है, लेकिन भाई अंधेरा हो गया। अब भी लोकेशन दिखा, दिखा दे पूरा लोकेशन, जबरदस्त लोकेशन दिख रहा है, ये है आज का अपना लोकेशन भाई, यहाँ पे बनाएंगे और मस्त एंजॉय करेंगे अंधेरे में। बड़ा कुआं यहाँ पे, यहाँ से पीने का एकदम शुद्ध पानी है, शुद्ध देसी पानी, पानी भी देसी होता है। कांतराम उठाओ, यहाँ से पानी भर के लेके जाएंगे और वही पानी में बना के आप पका के खाएंगे भाई। और संतोष का लड़का भी है साथ में यहाँ पे, देखो अरे भाई रुक भाई, ये बहुत वीडियो देखता है लेकिन आज हमारे साथ खाएगा, खाएगा ना? हाँ, खाएगा। चल चल कांतराम चल भाई, चिकन लेग पीस। पूरा पतला हो गया ना गणेश, देसी चिकन, थोड़ा सा प्याज में और टमाटर में इसको अच्छे से भून लेते हैं, मसाले बाद में डालेंगे। अच्छे से बॉईल हो गया एकदम जबरदस्त गणेश, दिखा चिकन और ये आपने देसी मसाले।
कुएं का पानी देखिए कितना क्लीन और जबरदस्त है। पकाते एक घंटा, एक से डेढ़ घंटा पकाएंगे इसको, और फिर पकाने के बाद भाई अपना इंद्रायणी राइस बन गया, भाकरी बन गया। यहाँ पे बैठ के मस्त करेंगे एंजॉय। तो चलिए भाई फाइनली रेडी हो गए, आप लोग रेडी हो? चलो फटाफट आ जाओ भाई। डेढ़ घंटा लगा हमें ये रेडी होने में भाई, डेढ़ घंटे के बाद होगा क्योंकि देसी है ना, प्योर देसी है भाई। देखिए तो लेग पीस हम ले लेंगे, ले लो फटाफट 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 ले लो भाई। प्लेट अपना अपना भरो, मैंने मेरा भर लिया है प्लेट। यहाँ पे भाकरी जल्दी करो फटाफट ले लो। ये देखो ये भाकरी, ज्वारी का भाकरी अपने यहाँ पे बना के लाया, राइस भी बना के लाया भाई। आ जाओ फटाफट आ जाओ, बैठ संतोष बैठ। एकदम जबरदस्त बना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ भाई, कैसा हुआ आप लोग सब लोग बता देना भाई। संतोष चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कांतराम धनगर भी आ गया। कांतराम बैठ जा भाई, भूख लगा है ना बहुत। फयान भाई स्टार्ट हो जाओ, भाकरी ले रहे गणेश, भाकरी दे दे उनको। संतोष के चाचा भी बैठ गए। अच्छा हुआ। संतोष किसका खेत है? मेरा खेत है यार। तुम्हारा ही खेत है? मजा आ गया यार, टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन खाने के लिए भाई मजा आ जाता है। जो गांव का पानी होता है ना भाई, कुएं का पानी टेस्ट बहुत जबरदस्त होती है। संतोष गांव के पानी की टेस्ट कैसे होती है भाई? आयन भाई मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत भारी टेस्ट है। एक भाकरी खत्म क्या? आधी भाकरी दी। एक पुणे से बेहतर है कि ना टेस्ट भाई? एक नंबर है, उससे भी बेहतर है। और यहाँ की, यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। पुणे का टेस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। नहीं ना? नहीं। अभी राइस खाया नहीं तुमने? इंद्रायणी राइस से बुलास। देखिए ये अपना है इंद्रायणी राइस। बहुत ज्यादा भूख लगी है भाई, बहुत देर तक अपने को खाना है, ये पूरा खत्म करना है। ऐसा अब आएगा मजा। ये लीजिए भाई, भाई रस्सा देखिए एकदम जबरदस्त रस्सा बन गया। अब रस्से के साथ मजा आ जाएगा ये इंद्रायणी राइस खाने के लिए। देसी चिकन और इंद्रायणी राइस। फयान भाई तू राइस ले ले, और पुणे का इंद्रायणी और मेरे घर का इंद्रायणी क्या फर्क है बता। संतोष भाई लेग पीस। देसी चिकन देसी स्टाइल भाई, राइस ले जाए अलग है, मजा अलग है इधर के राइस का, बढ़िया है। रस्ता ले ले, बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है।
पुणे का राइस और ये मेरे खेत का राइस कैसा है? पुणे का अलग है, इधर का बहुत बढ़िया है। चलिए फैन भाई को भी पसंद आया भाई, मजा आ गया। टेस्ट कैसा था? बढ़िया था फैन भाई, मजा आया। संतोष बहुत बढ़िया यार। स्वराज आज मेरे साथ खाना खा के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वहां पे है वसंत जी, वसंत जी कैसा है? बढ़िया, मजा आया ना? चलिए अभी पूरा खत्म करेंगे ना अपन ये सब? बिल्कुल पूरा खत्म करेंगे, आराम से बैठ के खाएंगे भाई। रात का अंधेरा है, रात के बज गए 10:30। मुर्गियां लाई, ये लोकेशन पे आए, यहाँ पे बनाया मस्त अपने देसी तरीके से, मजा आया। वीडियो यहाँ पे करेंगे खत्म भाई, आराम से मस्त एंजॉय लेके खाएंगे, पूरा खत्म करेंगे। चलिए वीडियो करते खत्म भाई, आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा हो और ये अपना वीडियो आपको देसी स्टाइल वाला वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना भाई, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त जबरदस्त चैलेंज के, डिशेस के, लोकेशन के वीडियो ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो चलो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिश के साथ, नेक्स्ट लोकेशन में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।